का वीडियोस लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे तो आज हम शुरू करने वाले हमारा चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है रियल नंबर्स तो एक्जेक्टली exactly रियल नंबर्स की बात करें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रैशनल नंबर्स क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कंपेरिजन ऑफ कॉड्रेटिक सर्ट्स ऑपरेशन ऑन कॉड्रटिक सर्ट्स एंड रैशनलाइजेशन ऑफ कॉड्रेटिक सर्स तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन आज जो हम लोग का है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेक्चर नंबर वन है तो इसमें हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं एंड आगे जाके हम लोग लेक्चर नंबर टू में डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या होता है क्या क्या बात करें प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे आपने चीज़ें पढ़ी है नेचुरल नंबर्स क्या होता है इंटीजर्स क्या होता है रियल नंबर्स क्या होता है तो नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूँ हाँ आपको पता ही है ऑलरेडी ठीक है मैं यहाँ पे बस आपको एक रिवाइज कर रहा हूँ ता, ताकि आपको एक याद आ जाए कि आपने क्या क्या पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में ओके तो नॉर्मली आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर हम लिखते हैं तो वो क्या होता है वन से लेके इन्फिनिटी तक वन से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर की जब भी हम बात करते हैं तो वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं वन कॉमर टू थ्री फोर से लेके आपके इन्फिनिटी तक जाते हैं हमको पता नहीं है वो कहाँ तक जाएगा अनंत तक जाएगा ठीक है तो उसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं वही उसके बाद बात करें डब्ल्यू दैट इज डब्लू सेट्स फॉर सेट ऑफ होल नंबर्स जो कि जीरो से स्टार्ट होता है तो नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि नेचुरल नंबर जो है वो वन से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक और जो होल नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक बस यही इतना फर्क है बात करते हैं तीसरा जो है इंटीजर्स आपको पता है कि आई इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स और इंटीजर्स का मीनिंग यही होता है जैसे कि आपको पता है एक नंबर लाइन होता है हमारा तो नंबर लाइन में हम लोग क्या करते हैं जीरो से स्टार्ट करते हैं ये साइड राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है जीरो के बाद वन आता है फिर टू आता है थ्री आता है ये सब हम लोग आगे करते जाते कहाँ तक इन्फिनिटी तक मुझे पता नहीं है जीरो से हम लोग कहाँ तक आगे जाएंगे और वही इसके आगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड की बात करूंगा तो माइनस वन माइनस माइनस टू फिर माइनस थ्री इससे लेके इन्फिनिटी तक मतलब माइनस से लेके पॉजिटिव मतलब निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक जो हम लोग का नंबर्स होते हैं ये सभी चीज़ किस में आ जाते हैं इंटीजर्स में आते हैं जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे ठीक है तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो डॉट 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 है इसका मतलब इंफिनिटी है यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी डॉट 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 है इसका मतलब ये भी इन्फिनिटी है जीरो से लेकर पॉजिटिव में इन्फिनिटी एंड जीरो से लेकर नेगेटिव में इन्फिनिटी ये सभी चीज़ किस में आते हैं हमारे इंटीजर्स में आते हैं आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आ गया होगा फिर बात करते हैं अगला क्यू क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ओके okay, तो रैशनल नंबर्स कभी भी याद रखना आप लोग को रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं लाइक अपॉन में प्रेजेंट होते हैं तो p अपॉन q के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जैसे कोई भी एक नंबर है अपॉन q फोर अपॉन थ्री तो ये फोर अपॉन थ्री क्या हो गया एक रैशनल नंबर हो गया ओके okay? और पी और क्यू ये क्या होते हैं इंटीजर से होना चाहिए मतलब जीरो से इक्वल नहीं होने नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये जो आप लिखोगे

कि p अपॉन q दिया हुआ है और r अपॉन s दिया हुआ है तो इसमें अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा मतलब p को s से मल्टीप्लाई करूँगा और q को r से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों सेम होंगे मतलब p मल्टीप्लाई बाय s जो रहेगा उसका वैल्यू वो इक्वल रहेगा किससे क्यू मल्टीप्लाई बाय आर ठीक है R, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जो भी लाइक डि आप मल्टीप्लीशन करते हैं तो उसके जो वैल्यूज आते हैं वो क्या आते हैं सेम आते हैं ये उसका रिलेशनशिप हमें बताता है फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस ऐसा भी लिख सकते हैं सर सेकेंड यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है कि पी मल्टीप्लाई बाय एस मतलब जो आपका पी मल्टीप्लाई बाय एस रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा क्यू मल्टीप्लाई बाय आर से ठीक है तो अगर ऐसा कंडीशन है कि पी मल्टीप्लाई बाय एस जो भी वैल्यू आ रहा है वो अगर क्यू मल्टीप्लाई बाय आर से बड़ा है तो वो केस में हम लोग कैसे लिखेंगे कि पी बाय क्यू रहेगा वो बड़ा रहेगा आर बाई एस से ठीक है तो ये चीज़ बहुत बेसिक चीज़ें हैं आपको ये चीज़ पता चल जाएगी वैसे थर्ड वन यहाँ पे अगर आपका पी मल्टीप्लाई बाय एस जो है वो लेस देन रहेगा क्यू मल्टीप्लाई बाय आर से तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं कि पी बाय क्यू इज़ लेस देन आर बाई एस तो ये तीन रिलेशन उनमें आपको पता चल गया पी अपन क्यू मतलब जो भी रैशनल नंबर्स दिए रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर्स के वो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है जो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज माना

फॉर्मूले के हिसाब से ये दो चीज़ों के हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर ए हमारा एक रैशनल नंबर था और बी हमारा एक रैशनल नंबर था तो दोनों रैशनल नंबर जब हम लोग ऐड करेंगे तो ए प्लस बी जो रहे हमारा वो किसके बराबर रहेगा बी प्लस ए के बराबर रहेगा जैसे आपको पता ही कि अगर लेट सपोज मैं मानता हूं यहां पे कि फाइव अपॉन थ्री ये मेरा एक रैशनल नंबर है इसको मैं प्लस करूंगा फोर अपॉन थ्री से तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं फोर अपॉन थ्री प्लस फाइव अपॉन थ्री इसको ऐसे लिख सकता हूं मतलब ए प्लस बी करूंगा तो उसका वैल्यू भी वही होगा जितना कि बी प्लस ए होगा जैसे कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे मल्टीप्लीकेशन में कॉम्पिटेटिव का क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर जैसे ए प्लस बी था तो वहां पर हम लोग को लेना है मल्टीप्लाई तो ए मल्टीप्लाई बाई भी जो भी वैल्यू आएगा वो सेम रहेगा किससे से बी मल्टीप्लाई बाय ए से ठीक है करेक्ट है इजी है आपको समझ में आ गया अब सेकेंड बात करेंगे यहां पे दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम है असोसिएटिव प्रॉपर्टीज असोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स तो ये क्या होता है इसमें असोसिएट फॉर्म होते हैं मतलब ग्रुपिज्म फॉर्म होता है जैसे कि यहां पे अगर हम लोग ने ले लिया कि ए प्लस बी को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया और प्लस सी किया तो ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में लिख के फिर प्लस कर रहा हूँ किसी और एक और रैशनल नंबर से तो उसको उसका जो वैल्यू आएगा वो सेम रहेगा अगर हम लोग ने ए को अलग कर दिया और बी और जी को साथ में ले लिया उसके वैल्यू से एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं जैसे कि अगर मैंने मान लिया लेट सपोज फाइव अपॉइन्ट ठीक है ना ये फाइव है फाइव अपॉन्ट टू पे प्लस मैं करता हूँ यहाँ पे थ्री अपॉइंट ठीक है ओके okay. प्लस मैं करता हूं यहां पे वन अपॉइंट टू तो अगर मैंने यहां पे फाइव अपॉइंट टू और थ्री अपॉइंट टू को प्लस किया होता पहले वो सेम रहने वाला है किससे अगर मैं यहां पे फाइव अपॉइंट टू को अलग कर देता हूं और यह थ्री अपॉइंट टू है और वन अपॉइंट टू है ये दोनों को साथ में प्लस करता हूं तो भी वैल्यू हमारा इसका और इसका क्या आएगा सेम आएगा तो वही यहां पे बोलने की कोशिश की है कि चाहे मैं ए प्लस बी को साथ में रखूँ चाहे मैं बी प्लस सी को साथ में रखूँ दोनों ही केस में एडिशन करने के टाइम वैल्यू जो है वो सेम आना चाहिए रैशनल नंबर के केस में और मल्टीप्लीकेशन में भी सेम ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इसको ब्रैकेट में रखो या फिर ए मल्टीप्लाई को ब्रैकेट में रखो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा जिसका नाम है आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर कोई एक हमारा क्या है, दिया है उसके साथ हम जीरो आड़, जीरो प्लस जीरो तो जब ऐड करेंगे तो वो जीरो होता है मतलब कोई भी तो कोई भी रैशनल नंबर जब हम लोग जीरो के साथ ऐड करते हैं वो किसके बराबर रहेगा जीरो प्लस ए जैसा कि एक हम लोग ने कॉम्पिटेटिव में पढ़ा था एंड इसका जो वैल्यू रहेगा आपको पता होगा कि ए मतलब कुछ भी अगर रैशनल नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं एनीथिंग विल बी एडेड टू जीरो तो वो उसी का वैल्यू होता है वो खुद का ही वैल्यू होता है जो कि ए आ जाएगा क्लियर है फ्रेंड्स और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन uh, के केस में भी आप वही देखोगे कि ए मल्टीप्लाई बाय वन अगर मैं करता हूँ मतलब जो भी आपका रैशनल नंबर है उसको वन से जब मल्टीप्लाई किया वो सेम रहेगा इक्वल रहेगा वन मल्टीप्लाई बाय ए से जो कि आपको पता है कि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय वन इज़ ए ठीक है ना एंड इनवर्स अब इसका लास्ट प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स का जो कि है इनवर्स प्रॉपर्टी तो इनवर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होता है देख लेते हैं कि आपको पता है इनवर्स मतलब होता है उल्टा दैट इज नेगेटिव पॉइंट तो अगर एक मेरा कॉम्पिटेटिव सॉरी एक मेरा रैनल नंबर दिया हुआ है ए नाम का उसको अगर मैं प्लस करता हूँ उसके इनवर्स के साथ इनवर्स मतलब उसका निगेटिव पार्ट तो माइनस है तो ए प्लस माइनस है क्या हो जाएगा हमेशा याद रखना कि जब भी इनवर्स और उसी के अगर कोई भी एक रैशनल नंबर और उसका इनवर्स जब दोनों ऐड होते हैं तो वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा नल एंड वर्ड हो जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन के केस में ए ये है और उसका इनवर्स क्या हो जाएगा वन ए मल्टीप्लीकेशन में इनवर्स क्या होता है वन अपॉन होता है और एडिशन में इनवर्स क्या होता है माइनस होता है तो ये आपको याद रखना है तो ए मल्टीप्लाई बाय वन ए क्या हो जाएगा वन आ जाएगा आंसर ठीक है तो हमेशा याद रखना फ्रेंड्स और ए हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए ये आपको याद रखना या फिर छोटा होना चाहिए ओके तो यही थे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि रैशनल नंबर थे आई होप आप लोग ये वाला पॉइंट पॉइंट जो है को समझ में आ गया होगा अब आगे बढ़ते हैं कुछ यहां पे पार्ट है दैट इज नोन एज अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइम इसका मैं पे आप, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कि एक्जैक्टली exactly एक्सप्रेस कैसे करते हैं उसको पी अपॉन ऑन क्यू के फॉर्म में एंड उसके बेस पे एक एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट वन टू पॉइंट वन है तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे तो आज हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले ये डेसिमल फॉर्म एनी रैशनल नंबर्स का इज आइदर टर्मिनेटिंग आपको एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी रैशनल नंबर हो मतलब जो फ्रैक्शन में होता है इसको रैशनल नंबर अगर बोलते हैं हम लोग तो कोई भी रैशनल नंबर्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका एक डेसीमल फॉर्म निकल के आता है चाहे वो टर्मिनेटिंग हो टर्मिनेटिंग मतलब उसका जो वैल्यू आएगा वो टर्मिनेट हो जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा कहीं और हो सकता है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो मतलब वो रिकरिंग टाइप होगा उसके वैल्यूज जो है वो आते रहते कंटिन्यूसली आप कितना भी डिवाइड करते जाओ वो आते ही रहेंगे स्टॉप नहीं होंगे एक्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं आपको समझेगा जैसे कि फर्स्ट आप देखोगे तो ये टर्मिनेटिंग टाइप का है ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है इसको मैं अलग रख देता हूं यहां तो आप सबसे पहले मैं आपको टर्मिनेटिंग टाइप का एक्जाम्पल बताता हूं ये टू अपन फाइव आप देख पा रहे हो ये क्या है एक रैनल नंबर है तो टू अपन फाइव को जो मैं डिवाइड करूँगा तो हमारा कितना आंसर आता है जीरो पॉइंट फोर आता है कैसे डिवाइड करना है एक मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं कि कैसे डिवाइड करना है नॉर्मली आपको पता है कि अगर हम लोग ऐसा डिवीजन करते हैं ठीक है ना नॉर्मली आपको पता है ना डिवीजन कैसे करते हैं वो सिंपल है, आपका नॉर्मल जैसा हर बार करते थे जो ऊपर रहता है वो अंदर जाता है ऊपर टू है ठीक है ना ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं तो ऊपर टू है, तो मैं अंदर टू लिख दिया और डिवाइड किससे करना है फाइव से करना है तो आपको पता है कि फाइव टू से डिवाइड नहीं कर सकता तो इसके लिए फाइव जीरो जीरो लेना पड़ेगा टू माइनस जीरो टू आ गया यहाँ पे अगर मैं पॉइंट डालूंगा उसके बाद तो यहाँ पे ट्वेंटी हो जाएगा फोर फाइव ट्वेंटी हो जाएगा ये टर्मिनेट हो गया जीरो हो गया तो यहाँ पे जीरो पॉइंट फोर आया तो ये जीरो पॉइंट फोर के बाद कुछ भी नंबर है क्या फ्रेंड्स कुछ भी नंबर आ रहा है क्योंकि ये रिमाइंडर तो जीरो हो गया तो रिमाइंडर जब जीरो होता है तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप हो जाते हैं मतलब जीरो पॉइंट फोर विल मा विल बी माई फाइनल आंसर करेक्ट है तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो स्टॉप हो जाता है जीरो पॉइंट फोर के आगे कुछ भी नहीं आ रहा है इसके लिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग टाइप ओके सेम वैसे ही आप सेवन बाई सिक्सटी फोर को भी डिवाइड करके देखो आपके पास पेन और बुक होना चाहिए फ्रेंड्स वो सॉल्व करके देखो आपका यहां पे करते जाओ करते जाओ जहां जब तक स्टॉप नहीं होता तब तक करते जाओ आपका कुछ आएगा जीरो पॉइंट वन जीरो नाइन थ्री सेवन फाइव के आगे कुछ नहीं आएगा रुक जाएगा मतलब ये भी टर्मिनेटिंग टाइप हो गया एक सौ सॉरी वन जो है आपका एक को आठ से डिवाइड करोगे तो भी आपका कुछ ट्वेल्व पॉइंट है मतलब फाइव के आगे रुक गया कुछ नहीं आ रहा है मतलब तो ये जितने भी टाइप्स है ये क्या हो गए टर्मिनेटिंग टाइप के एग्जाम्पस हो गए लेकिन वही अगर मैं बात करूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग ये होता है कि अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको तो डिवाइड जब करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो वो रुकेगा ही नहीं रुकने का नाम ही नहीं रहा है। आपने पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद पांच निकाल लिया दस निकाल लिया पॉइंट फिर भी वो रुक रहा नहीं है इसका मतलब क्या है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और आपको देख के समझ में आ जाता है कि वो चीज बार बार रिपीट हो रही है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं यहां पे कि 17 अपॉन 36 को आप जब डिवाइड करो यहाँ पे मैं डिवाइड नहीं करके बताऊंगा क्योंकि स्क्रीन हमारा छोटा है अभी फिलहाल में जब मैं कल आपके लिए मैं बोर्ड पे लेक्चर लेके आने वाला हूँ फ्रेंड्स तो आपको रेडी रहना है कल के लिए कल आपको बोर्ड के फॉर्म में मिल जाएगा क्योंकि उसमें सॉल्व करना है हम लोग को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में और आपका प्रैक्टिस एटन टू पॉइंट वन है उसको भी मैं बोर्ड पर कराने वाला हूँ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं आज थीरोल पढ़ाना था इसके लिए मैं स्क्रीन पर लेके आया हूँ ठीक है तो मैं बात करता कि सेवनटीन पॉइंट थर्टी सिक्स आप क्या करो अपने बुक निकालो एंड सेवेंटीन पॉइंट थर्टी सिक्स को डिवाइड करो तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा जो कि यहाँ पर बता रहा हूँ कि जीरो पॉइंट फोर सेवन आया पहले तो फिर आपने डिवाइड किया तो टू आएगा फिर टू टू टू, टू आता ही रहेगा मतलब हर बार आप जब डिवाइड करोगे उसको तो आपके ना उसके आगे टू 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 ऐसा आता ही रहेगा और वो स्टॉप नहीं होगा आप कितना भी कर लो सौ बार क्यों ना कर लो वो वो टू 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 आता रहेगा इसका मतलब क्या है कि टू इज़ माई रिकरिंग टाइप रिकरिंग मतलब कोई चीज अगर बार बार रिपीट होती है अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको रिकरिंग बोलते हैं ओके तो यहाँ पे टू हमारा बार बार रिकरिंग हो रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे जीरो पॉइंट फोर सेवन तक

कि इतना तो हम लोग ने सौ बार करके नहीं निकाल सकते ना इतना तो टाइम रहता नहीं हम लोग पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा दो से तीन डिजिट निकालते हैं बस हो गया उसके बाद नहीं निकालते लेकिन यहाँ पर आपको निकालना है लगभग चार से पाँच बार निकालना है फिर भी अगर रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग टाइप है तो आपको आई एस ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा वैसे आप थर्टी थ्री अपॉइंट ट्वेंटी सिक्स को भी कर सकते हो तो ये आ रहा, इसी है थोड़ा सा अलग है देखो यहाँ पे ये क्या आ रहा है वन पॉइंट टू सिक्स नाइन टू थ्री जीरो सेवन सिक्स नाइन टू थ्री जीरो सेवन तो यहाँ पे आपने एक चीज क्या नोटिस किया कि ये टू सिक्स नाइन ठीक है ना यहाँ पे मैं अगर डिटेल में बताने की कोशिश करूं तो पॉइंट की बात देखोगे तो टू सिक्स नाइन ठीक है टू सिक्स नाइन ठीक है फिर टू थ्री जीरो सेवन ठीक है टू सिक्स नाइन टू थ्री जीरो सेवन आया फिर सिक्स नाइन टू थ्री जीरो सेवन आया मतलब यहाँ पे हमारा जो सिक्स नाइन टू थ्री जीरो सेवन है सिक्स नाइन टू थ्री जीरो सेवन आप देखोगे सिर्फ यही वाला पार्ट वो बार बार रिपीट हो रहा है देखो वन पॉइंट टू काट दो यहाँ पे अगर मैं आप, आपको थोड़ा सा बताऊँ कोशिश करूँ वन पॉइंट टू मैंने अलग कर दिया उसके बाद आप देखोगे तो सिक्स नाइन टू थ्री जीरो सेवन उसके बाद फिर से सिक्स नाइन टू थ्री जीरो सेवन आएगा फिर से आप करोगे तो सिक्स नाइन टू थ्री जीरो सेवन आएगा इसका मतलब मेरा जो सिक्स नाइन टू थ्री जीरो सेवन वाला नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है मतलब ये भी क्या हो गया टर्मिनेट नहीं हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है रिकरिंग है वो भी कौन सा नंबर रिकरिंग हो रहा है पूरा का पूरा सिक्स नाइन टू थ्री जीरो सेवन इसके ऊपर मैंने अभी एक नंबर तो नहीं है एक नंबर होता तो इसके जैसे मैंने डॉट मार देता लेकिन एक नंबर यहाँ पे पांच नंबर है, छः नंबर है, इसके लिए मैंने एक लाइन खींच दिया, इसका मतलब भी होता है रिकरिंग, ठीक है? वैसे आप 56 और 37 को भी करोगे, तो कुछ वैल्यू मिलेगा 513, 513, 513, तो 513 में ना रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है रिकरिंग टाइप है इसके लिए आपको ये याद रखना है कि टर्मिनेटिंग टाइप मतलब जहाँ वो स्टॉप हो जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग हो रहा है स्टॉप नहीं हो रहा है रिपीट हो रहा है बार बार नंबर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है रिकरिंग टाइप है तो दोस्तों आई होप आपको ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे आगे भी हमारा वही पार्ट है डेसिमल फॉर्म का लेकिन इसको करते कैसे सॉल्व कैसे करते हैं फिर अपन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करते हैं ये सब चीज़ आपको सॉल्व करके मुझे बतानी पड़ेगी तो उसके लिए हमें बोर्ड की जरूरत पड़ेगी एंड कल के दिन आपको ये टॉपिक हमारे बोर्ड के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स तो